तो G20 पर है चाइना का प्रोपेगेंडा टूल। अगली खबर, भारत का कद बढ़ा, चीन जला। इंडिया वर्सेस भारत की बहस में कूदा। G20 पर ड्रैगन का प्रोपेगेंडा टूर। बेतुका ज्ञान होगा ग्लोबल बदनाम। चालबाज चीन है कि मानता नहीं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो कदम है वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे चीन बौखला गया है। जब दुनिया की नजर G20 जैसे बड़े आयोजन के लिए भारत की मेजबानी पर है, तो चीन अब प्रोपेगेंडा पर उतर आया है। भारत के अंदरूनी मुद्दे पर दखलंदाजी कर रहा है। भारत बनाम इंडिया की बहस में अब चीन भी कूद पड़ा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स से रिएक्शन देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है और G20 के मुद्दों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। चीन ने आर्टिकल के जरिए भारत बनाम इंडिया के मुद्दे की बजाय अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। चीन ये ज्ञान तब दे रहा है जब वो खुद नाम बदलने के लिए मशहूर है। दरअसल चीन की ये बौखलाहट भारत की विश्वगुरु की बनती छवि को लेकर है। आसियान समिट में जहां कूटनीतिक तरीके से भारत आसियान देशों से चीन का दबदबा खत्म हो रहा है, तो वहीं G20 का मेजबान बनकर ग्लोबल सुर्खियों में छाया हुआ है। चाहे कोरोना के खिलाफ दुनिया को पहुंचाई मदद हो या फिर अंतरिक्ष में इसरो की लंबी छलांग। विशाल पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। विशाल, हालांकि ग्लोबल टाइम्स का ये पुराना काम रहा है, इसी तरीके से भारत को निशाना बनाता रहा है, हर खबर को झूठे तरीके से प्रस्तुत करता रहा है, पर मुझे लगता है कि आज हर भारतीयों को इस बात पर ज्यादा गर्व होना चाहिए कि हम G20 का इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। तमाम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, टॉप 20 जो अर्थव्यवस्था है, वो तमाम देश हमारे देश में आ रहे हैं और हम इस आयोजन से एक नई साख जमाने जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स कुछ भी कहता रहे, अब दुनिया के लिए वो मायने नहीं रखता है। मायने अगर कुछ रखता है तो भारत के आगे बढ़ते हुए कदम है। बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये चीन की घबराहट को दिखाता है। चीन को इस बात की चिंता है कि पूरी दुनिया में भारत को लगातार स्वीकार किया जा रहा है और भारत ने जिस तरीके से G20 का एक सफल आयोजन किया है पिछले साल 1 दिसंबर से लेकर अब तक, उसमें 60 से ज्यादा शहरों में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी था, लद्दाख का भी हिस्सा था, हर जगह पर सफल आयोजन हुए हैं और चीन को इसी बात से सबसे ज्यादा परेशानी है। और आप देखिए, चीनी राष्ट्रपति इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच से दूरी बना रहे हैं और चीन का जो प्रोपेगेंडा अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो भारत को कहीं ना कहीं इंडिया और भारत जैसे मुद्दों पर जो अपना प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास कर रहा है वो काफी असफल प्रयास है। भारत के इस कार्यक्रम को लेकर चाहे वो जो बाइडन हो, इमैनुअल मैक्रोन हो या जापान के प्रधानमंत्री हो, तमाम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो लगातार G20 की तारीफ कर रहे हैं और भारत की एक नई तस्वीर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल, और ग्लोबल टाइम्स का तो ये पुराना काम है। आप भी बहुत सालों से खबरों की दुनिया में है और मैं भी, और ग्लोबल टाइम्स तो जब भी कोई भारत में बड़ा आयोजन होता है तो इसी तरीके से भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए।